Hello guys, welcome to Smart Gadgets. Hope you guys are doing absolutely fine. मेरा नाम है शौमित। इस चैनल में हम लेटेस्ट गैजेट्स एंड टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम आपके लिए एक खास प्रोडक्ट लेके आए हैं। ऑलरेडी आप थंबनेल एंड टाइटल देख के तो समझ ही चुके होंगे कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कोटेक के पॉकेट प्रोजेक्टर के बारे में, जहां पे आप देख सकते हो एक छोटा सा प्रोजेक्टर है। ये दिखने में जरूर छोटा है, पर ये कुछ ज्यादा ही काम का चीज है। सबसे पहले तो ये एक कंफर्टेबल साइज में आता है, कोई भी इसको अपने पॉकेट में इजीली कैरी कर सकता है। अब इसके फीचर्स के बारे में क्या ही बात करें हम, क्या नहीं होता है ये छोटे से प्रोजेक्टर में। एज अ प्रोजेक्टर आप इसमें कोई भी HDMI केबल के थ्रू अपना कंप्यूटर या लैपटॉप कनेक्ट कर सकते हो। इसके साथ इसमें आप कोई भी स्मार्ट डोंगल मतलब फायर स्टिक यूज करके इसको स्मार्ट टीवी के जैसा यूज कर सकते हो। आप अपने स्मार्टफोन का स्क्रीन भी वायरलेसली मॉनिटर कर सकते हो इसके साथ। गेम प्ले भी आप कर सकते हो अपने कंप्यूटर या मोबाइल से। एज अ 150 इंच लार्ज मॉनिटर के जैसे इस प्रोजेक्टर को आप यूज कर सकते हो। टच बटन्स के साथ USB पोर्ट, microSD स्लॉट भी यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके जस्ट पास में यहाँ पे हेडफोन का जैक मिल जाता है, जिसके साथ आप अपने होम थिएटर भी कनेक्ट कर सकते हो। इवन आप इसके USB से कोई और डिवाइस को चार्ज भी कर सकते हो। कंपनी क्लेम करता है कि ये छोटा सा प्रोजेक्टर फुल चार्ज में 2.5 घंटे का वीडियो प्लेबैक सपोर्ट करता है। तो गाइज, आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा जरूर बताएं। और अगर आप में से कोई इसको परचेज करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप कमेंट पे रिव्यू जरूर देना। ये प्रोडक्ट आपको Amazon पे नियर अबाउट 34,000 के आसपास मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। क्या पता कौन सा आपके काम का हो, क्योंकि कुछ ना कुछ यूनिक प्रोडक्ट के बारे में लगातार इस चैनल में हम बात करते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, होप यू एंजॉय। शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। फॉलो मी ऑन Instagram, इट मीन्स अ लॉट टू मी।